हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ स्पेशल एडिशनल नॉलेज टू रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी। माय फ्रेंड्स, यहां पर आज हमारा जो पॉइंट है वो है रवि, मंगल और शुक्र। इन तीनों ग्रहों के योग से युति बना करके जब ये तीनों ग्रह रवि, मंगल, शुक्र बैठ जाते हैं हमारी हॉरोस्कोप में, किसी भी हाउस में, किसी राशि को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर ये किस प्रकार के फल दे सकते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्र से। लेकिन इससे पहले आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस पॉइंट को। मेरे लवली फ्रेंड्स, यहाँ पर शास्त्र क्या इसके बारे में कह रहा है इस पर हम बात करते हैं। और शास्त्र क्या इंडिकेट करता है इन तीनों ग्रह का रवि, मंगल और शुक्र के युति होने से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्या चीजें प्रभावकारक हो सकती हैं इस पर बात करते हैं। तो शास्त्र कहता है दोस्तों, शुक्र भो मार्ग संयोगे सुभगो नयनातुर कुशलो वत्सलो दक्षो विषय सक्त मानस विषया सक्त मानस। दोस्तों यहाँ पर जो है रवि, मंगल, शुक्र के योग से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारे शुभ और अशुभ फल दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। तो यहाँ पर रवि, मंगल और शुक्र के योग से दोस्तों जिनकी हॉरोस्कोप में बैठे हैं ये तीनों ग्रह युति बना करके, ऐसे लोग जो है सुंदर होते हैं, यानी कि शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर की बनावट, नेत्र आदि बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों इनको नेत्र रोग भी होता है। रवि, मंगल और शुक्र के होने से यहाँ पर नेत्र से संबंधित पीड़ा भी यहाँ पर होती है, नेत्र का विकार इनको होता है। और शील, जहाँ जितना शरीर सुंदर होता है उस प्रकार से वाणी सुंदर नहीं होती, यानी कि वाणी में मधुरता नहीं होती, वाणी में काफी कठोरता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काफी कठोरता यहाँ पर हो सकती है इन ग्रहों के द्वारा। और पुत्र में, अपने पुत्र, पुत्र आदि में बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत ही प्यार रखते हैं, और वही पुत्र इनको जो है, पुत्र या पुत्री जो है काफी कष्ट जीवन में पहुंचाते हैं। और विषय में मन लगाए रहते हैं, यानी कि संसार के विषय में बहुत ज्यादा मन लगाते हैं जिसके कारण जो है इनको दुखी होना पड़ता है। सो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का फल जो है रवि, चंद्र, मंगल और शुक्र देता है। जिनके रवि, मंगल, शुक्र हैं वह जो है काफी एक दूसरे के प्रति बहुत अट्रैक्ट होने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके कारण जो है वो काफी यहाँ पर जो है मन से जो है काफी दुखी होने की संभावना भी उनकी बन जाती है। सो दोस्तों ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें कुंडली को एनालिसिस के लिए दे सकते हैं। वीडियो में इंट्रो में जो है हमारा नंबर दिया होता है, उस पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।